और द लिविंग और द डेड्स. दिस ऑपरेशन इज गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट इन द सेंस इट हैज बीन सो बैडली डैमेज दैट पॉसिबली रेलवे क्रेन माइट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. रेलवे बोर्ड चेयरमैन इज देयर इन द साइट. NDRF कमांडेंट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू सी हाउ क्विकली दे कैन कंप्लीट दिस टास्क. रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्सटेंडेड टू ऑल दी इंजोर्ड पीपल. इन द मीन वाइल ऑटोप्सीज हैव स्टार्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड दोज बॉडीज विच आर आइडेंटिफाइड एंड देयर किथ एंड किन आर देयर दे आर प्रोड्यूसिंग देयर आइडेंटिटी एंड ऑल्सो. तो ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना को आप सुन रहे थे कि यहां पर इंक्वायरी होगी और उन्होंने कहा कि कितनी तेजी से हम इस राहत बचाव को पूरा कर सकते हैं इसकी कोशिश हो रही है. दूसरी तरफ जिन लोगों की मौत हुई है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और यहां पर कई सारे शवों की पहचान भी हो गई है. कई शवों की पहचान होना बाकी है. ये बालासोर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. यहां पर ओडिशा में जो ट्रेन हादसा होता है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. भीषण ट्रेन हादसे से बेहद दुखी हैं. ये बीजेपी ने सारे कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं. ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. बीजेपी ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. रेल हादसे पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है. हादसे पर नड्डा ने दुख जाहिर किया है. 233 यात्रियों की इस हादसे में मौत हुई है जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं. तो ऐसे में बीजेपी ने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं. इसके अलावा ओडिशा में आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है. कोई भी उत्सव आज ओडिशा में नहीं मनाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा ये रेल हादसा है. जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है मन दुखी हो रहा है. तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं क्योंकि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं. जो राहत बचाव का काम हो रहा है, जो टीमें इस वक्त यहाँ पर लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, कैसे सीढ़ी लगा करके यहाँ पर ऊपर तक पहुँचना और फिर लोगों को ढूंढना, उनको बाहर निकालना, जब ऐसी हालत है कि बोगियां एक के ऊपर एक है. एक मालगाड़ी हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस. और ये तीसरी तस्वीर रात के वक्त की तस्वीर है जिसमें लोग हाथ ये देखिए कि क्योंकि जो उनके रिश्तेदार थे जिनके अपने इन ट्रेनों में सवार थे वो जब वहां तक पहुंचते हैं तो फिर उनको संभालना और ऐसे वक्त में मुश्किल इस राहत बचाव के काम को अंजाम देना. ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा और ये हेल्पलाइन नंबर्स भी लगातार हम चला रहे हैं जिनको अपनों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी हासिल करनी है वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं.